जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल होलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। सुजानगढ़ के लिए आज एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि सुजानगढ़ की दशकों पुरानी मांग को आज पूरा हुआ है और जो एक सपना देखा गया था, सुजानगढ़ के लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भवनलाल मेघवाल भी लगातार अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि सुजानगढ़ जिला बने और चौमुखी विकास हो, तो उस दिन आज वो दिन आ गया है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल जो ही जिले की घोषणा होने के बाद में जयपुर से यहाँ सुजानगढ़ पहुँचे, जो भव्य स्वागत हुआ है देखने लायक था। मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ में इतनी ऐतिहासिक रैली विधायक जी मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी, जैसा भव्य स्वागत हुआ है। क्या कहेंगे इस क्षण के लिए, खास जो क्षण आज आया है जिंदगी का? सुजानगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार करती कि जो पिछले 75 साल से जनता की एक मांग थी कि सुजानगढ़ जिला बने। 1949 के बाद जो जनपद का सुजानगढ़ का अस्तित्व खत्म हुआ था और चुरू जिला बना था, तो उसके बाद में लोगों के जो कहीं ना कहीं मन में थी कि वापस वो कब मौका आएगा। विशेष तौर से जब पिछले बजट में घोषणा जब 19 जिलों की हुई और कहीं ना कहीं सुजानगढ़ का नाम नहीं होने से जो निराशा हुई थी, और आज जो कल मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ को एक बेहतरीन सौगात दी है, कल का दिन सुजानगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इस दिन में अशोक गहलोत का भी नाम उसमें साथ में लिखा जाएगा कि उन्होंने सुजानगढ़ की जनता की भावना को कदर करते हुए, यहाँ की आवाज़ को सुनते हुए जो मान सम्मान रखा और जो गौरव वापस प्रदान किया और जो जिले का अस्तित्व सुजानगढ़ को वापस लौटाया, ये दिन यहाँ की जनता भी कभी नहीं भूलेगी, यहाँ इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा। और वो कल का जो दिन था, जब आज वो परिणति देखी कि किस तरह से लोगों का उत्साह था, आज किस तरह से लोगों के दीवानगी थी, वो आज के जो मैं ठीक दो बजे वहाँ पहुँच गया था सालासर मंदिर, और 3 बजे सुजानगढ़ का प्रोग्राम था, लेकिन 2 बजे से जो 5 बजे यहाँ पहुँचना था, अभी 7 से 8 बजने वाले हैं और लोगों की भीड़ जो वहाँ थी अभी भी जनता डटी हुई है। उस समय जो हजारों की तुलना में थी, गाँव से आए थे इधर जो दो तीन घंटे बैठे थे, पर अभी भी लोग जब लास्ट पॉइंट पे भी आए हैं तो भी यहाँ लोग इकट्ठे मिले, हर पॉइंट पर लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े थे और सिर्फ सुजानगढ़ जिले की जो मांग थी वो पूरी होने पर मुख्यमंत्री जी का आभार जताने आए थे। हम लोग कल सुबह यहाँ से निकले थे मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और जो यहाँ वहाँ पहुँचते ही हमें जो सूचना मिली वहाँ से, जो उन्होंने ऐलान किया कि सुजानगढ़ की जिला बनाया जा रहा है, तो एक खुशी वहाँ से जो शुरुआत हुई थी वो आज 24 घंटे बाद भी वैसी ही झलक रही थी। वहाँ से फिर हमने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, क्यों हम वहीं थे, कल सुबह से ही हम निकल गए थे, और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के बाद जब आज मैं वहाँ से निकला और जब 2 बजे वहाँ पहुँचा, वहाँ से लेकर यहाँ की वास्तव में जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार करी थी, ये आज की झलक रहा है। जो मैं इंटरव्यू लिया था गांधी चौक में, मैंने कहा था कि चुनाव में जाने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है, क्या कहेंगे, तो आपने कहा था कि अभी आचार संहिता लगने में कुछ कई घंटे बाकी हैं और उन घंटों में बहुत कुछ होगा और अभी मैं बहुत प्रयास करने वाला हूं, तो खास तोहफा अभी बाकी था और आपने साबित कर दिया कि वो कई घंटे तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने जब मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था और उस भरोसे पर मुझे विश्वास था, जब उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले पहले जो सुजानगढ़ की आप लोगों की मांग है, मैं भरोसा उस भरोसे पर मैं विश्वास पे कायम था कि जब तक घोषणा नहीं होती तब तक वो कर सकते हैं। बार बार हम मिलने से बार बार मेरी बात हो रही थी पर उनका भरोसा कायम था और उस पर हमारा विश्वास कायम था, इसलिए जब मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा सालासर आए थे 10 दिन पहले, उस दिन सब लोगों ने पहुंचा था पत्रकार लोगों ने कि आज मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा करेंगे, मैंने कहा आज नहीं करेंगे, आज उनका प्रोग्राम जो मुझे बताया उन्होंने कि न किसी से मिलूंगा न किसी से बात करूंगा, मैं सिर्फ मंदिर के दर्शन करने आ रहा हूं, मैं मंदिर के दर्शन करके जाऊंगा, बाकी तेरी जो बात है वो मुझे ध्यान में है, मैं भूला नहीं हूं अभी। तभी मैं जब मेरे फ़ोन पे बात हुई थी मैं समझ गया था कि सिर्फ मंदिर दर्शन के आने, अभी उनके मन में है सुजानगढ़ की जो पीड़ा है उनके मन में है कि किस पीड़ा को मैं कैसे राहत दूँ। और उसके बाद कल जो वो क्षण आया कि जब उन्होंने सुजानगढ़ को जो ऐतिहासिक
दिन कल के दिन था उन्होंने घोषणा की। मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो, तभी मैं बार बार कह रहा था कि देर है सवेर नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं परसों, उपचुनाव से पहले पहले जरूर जिला बनेगा। विपक्ष कहीं ना कहीं आप पर बार बार आक्रामक था, जो राजस्थान में 19 जिले घोषित हुए विपक्ष आप पर आक्रामक था कि मनोज मेघवाल विधायक की वजह से उनकी कोई ना कोई कमजोरी रही है, जब सुजानगढ़ जिला नहीं बन पाया। और नहीं 19 जिले नहीं, आपने तो, मैं कहूंगा कि आपने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया, पूरा बाउंड्री लगा दी है। नहीं, उसमें निराशा थी सब लोगों की, सही बात है, बना क्यों नहीं उसके बहुत से कारण थे, सब लोगों को धीरे धीरे पता चल गया क्या कारण थे, उस कारणों से नहीं, क्योंकि जिला सिर्फ एक मनोज मेघवाल विधायक से या सुजानगढ़ तहसील से नहीं बन रहा था, उसके पीछे बहुत सी बातें होनी थी, पर वो आज, अब वो दिन नहीं है कि उन बातों को पुराने दौर में, अब समय है कि अपन आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बैठे कि सुजानगढ़ जिला है वो कैसे सुजानगढ़ प्रगति पर जाए, अब सोचने की वो है, अब पीछे कदम नहीं लगाना है, अब एक कदम आगे चलना है। एक बात और आ रही है कि जिले की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन जो अधिसूचना जिसे नोटिफिकेशन अपन कहते हैं वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में किस तरह की सूचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी विपक्ष ये जो है कह रहा है कि अधिसूचना जारी होगी या नहीं। मुख्यमंत्री जी जितनी भी घोषणाएं करते हैं सब पार लगाते हैं, इसके बारे में भी कल सुजानगढ़ के सैकड़ों गाड़ियां लेकर हम जब सुबह 9 बजे गए थे और जब 4:30 उन्होंने हम लोगों को संबोधित किया था सुजानगढ़ी सब लोगों, तो उसे उन्होंने उसी समय बिना पूछे कह दिया था कि सुजानगढ़ की जिला घोषणा हुई है तो इसको पार भी लगाऊंगा, जो भी ये आगे की प्रोसेस है वो भी पूरा होगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन है कि सुजानगढ़ आज 50 जिले का है, वो 53 जिले का हो चुका है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और जो भी सरकारी प्रोसेस है जो भी होता है वो अपने आप हो जाएगा, उसके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या कहेंगे, ये स्वर्णिम काल कहेंगे आज का दिन, और एक इतिहास लिखा जा चुका है, हमेशा सुजानगढ़ की जनता इस दिन को कभी भूल नहीं पाएगी, और अब जो काल है सामने चुनाव है, और जिस तरह का अब मैं कहूँगा कि पूरी बाजी ही ऐसे लग रहा है जैसे बाजियाँ ही पलट के रख दी है आपने। तो देखिए आज बात सिर्फ सुजानगढ़ के लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है उस पर, कल 6 अक्टूबर का जो दिन सुजानगढ़ के इतिहास का ऐतिहासिक दिन, स्वर्ण दिवस, उसको लेकर जो सेलिब्रेशन बना रहा चल रहा है वो सेलिब्रेशन करने दो, लोगों को उत्साह मनाने दो, लोगों को जोश है, लोगों में उमंग है, उनको आज वो करने दो, आज राजनीति की बातें नहीं है, आज सवाल ये निरंतर कई डिपार्टमेंट्स और सब कुछ आपको करना होगा आप जिले के लिए। देखिए वो जब बच्चा जन्मता है और बड़ा होता है तो उसके अलग स्टेप बाय स्टेप होता है, तो सुजानगढ़ जिला जन्म ले गया, कल जन्म लिया तो वयस्क होने में जो समय लगता है वो लगेगा और वो पूरा होगा, उसमें कोई दोरो नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि बच्चा जन्मेगा वयस होगा उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, वो ही है कि जिला जन्मा है तो वयस्क होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, पर इसमें अतिशयोक्ति कोई नहीं है कि आज 53 जिलों में सुजानगढ़ जिला भी एक राजस्थान में है और ये अपना अस्तित्व बना चुका है, और बाकी जो प्रोसेस है समय के साथ। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि आप जनता से क्या वादा करेंगे, क्योंकि आपने जो आज जो क्षण आज आया है वो वाकई हर वादों से बड़ा है और हर प्रोग्रेस से बड़ा है, और बिल्कुल आपकी ये जो सफलता है वो एक यादगार सफलता रहेगी, और मैं बधाइयां दूंगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने जो जनता की जो मांग है उस मांग को आपने आगे पहुंचाया और आप सफल हुए जनता की उस मांग को पूरी करने में, और आप भी उन संघर्ष के साथियों को, संघर्ष के दिनों को याद करके और अपने पिताजी को इस बारे में श्रद्धांजलि जरूर दें। देखिए मेरे पिताजी ने जो बीज बोया था, उन्होंने जो ढांचा सुजानगढ़ में तैयार किया था, उसके बगैर तो कुछ होना ही नहीं था, जिससे सुने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में, जिला परिवहन कार्यालय सुजानगढ़ में, एक्सिन ऑफिस, ब्लॉक CMHO ऑफिस, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत ढांचे में कमी थी पिछले 2 साल से, उस कमी को माननीय मुख्यमंत्री से हम पूर्ति कर रहे थे, और जब वो सब ढांचा तैयार हो गया तो उसके बाद में वो बीज है आज फल के रूप में हुआ है, तो निश्चित ही उन्होंने जो पौधा बीज में रोपा था आज पूर्ण पौधा बन गया है। और रही वादों की बात, न मैंने चुनाव में कोई वादा किया था, न कोई ऐसी बात कही थी, मैंने सिर्फ यह कहा था कि जो सुजानगढ़ के सपने हैं, जो 2018 में देखे हैं सुजानगढ़ की जनता ने, जो उनके उम्मीदें हैं वो मैं पूरी करूंगा, ये मैंने विश्वास दिलाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि एक जो निराशा का मेरे मन में था कहीं ना कहीं, कि जो जिले वाला मामला है वो जो अटक गया था, बाकी जितनी भी उस समय मांग आई थी, जितनी भी डिमांड लोगों की आई थी, इस 2 साल के कार्यकाल में मैंने पूरी की है, ये मैं कह सकता हूँ। मेरी तरफ से न कमी में प्रयास मिलेगी, न मेरे प्रयास में कोई कमी मिलेगी, और न ऐसी कोई बात अब पेंडिंग रही कि जो मैंने उपचुनाव में लोगों ने मुझसे बताई,
और जिले की एक जो भावना थी लोगों की भावना थी, बिल्कुल थी, और उस भावना को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, पर कहीं ना कहीं जब बजट में वो नहीं आने से निराशा थी, जनता को निराशा थी, सबसे ज़्यादा निराशा उस समय मुझे थी, मैंने कहा भी था उस समय, पर आज मुख्यमंत्री जी ने जो कल सौगात दे दी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब सुजानगढ़ के लिए इस 2 साल के कार्यकाल में मेरे कोई ऐसी बात नहीं हो जो हो और जो अब अधूरी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे नीलोफर जी, किस तरह का एक आज दिन? बिल्कुल, 6 अक्टूबर 2023 का दिन सुजानगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल और हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब का मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जिस तरह से जो शहर की लंबे समय से जो मांग थी सुजानगढ़ जिला बने, वो मांग हमारे विधायक महोदय ने पूरी की है, तो उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ। जिस तरह से जनता में जो खुशी नजर आई वो आज आपके सामने, बड़ी तादाद में जो लोग, जो आवाम आज देखने को मिली है सुजानगढ़ जिले के लिए, यही आवाम आने वाले समय में हमारे विधायक मनोज मेघवाल साहब को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचेगी। जो हमारा जो पुराना गौरव है हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के प्रयासों से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने पूरा किया है, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। बिल्कुल, खास क्षण है ये सुजानगढ़ के लिए, ऐतिहासिक दिन है और गोल्डन डे मैं कहूंगा कि याद रहेगा हमेशा ये पल जिस दिन सुजानगढ़ जिला घोषित हुआ और जिस तरह से स्वागत मनोज जी मेघवाल के जिला बनने के बाद जयपुर से जब सुजानगढ़ पहुंचे जिस तरह का स्वागत हुआ वो भी एक ऐतिहासिक दिवस था। सुजानगढ़ के स्टेडियम से मैं नागेश कुमार कौशिक के साथ आप सभी का धन्यवाद।